जय श्री स्वामीनारायण। वाई वी शुड नॉट ईट ओनियन एंड गार्लिक, अर्थात अपने शा माटे लसण अने डूंगळी न खावा जोईए। अरे सांभळो सांभळो, केवल स्वामीनारायण संप्रदायना आश्रित ज नहीं, अरे केवल पाका वैष्णव भक्तो ज नहीं, परंतु हिंदू धर्मना तमाम अनुयायीओए लसण अने डूंगळी क्यारेय पण न खावा जोईए। बट वाई, पण शा माटे? कारण के प्रियजनों, आना पाछळ अपना शास्त्रों में लखायेली समुद्र मंथननी एक अद्भुत कथा छे, कि जेमा समुद्र मंथन करती वक्त अमृतनो कुंभ निकळ्यो अने आ अमृतना कुंभ ने लेवा माटे देवताओ अने दानवो बन्ने झगड़वा लाग्या। परंतु एज वक्त भगवान विष्णुए मोहिनी रूप धारण कर्यु अने समझाव्या कि तमने बधाने हूँ एक सरखा भाग वहेंची आपूं। तमाम दानवो राजी थया अने मोहिनीए कह्युं कि पहला देवताओनो वारो लईए, कारण के ऊपर ऊपर आछू अमृत होय छे, नीचे नीचे घाटू अमृत होय छे, माटे पहला आछू आछू देवताओने पीड़ावी दईए, एम कहीने देवताओने एक लाइनमां बेसाड्या। पण एज वक्ते राहु अने केतु नामना बे असुरो रूप बदली अने देवताओनी लाइनमां बेसी गया। छेले बनेना हाथमां अमृत आव्युं तो खरुं, पण सूर्य अने चंद्रना इशाराथी भगवान विष्णुने खबर पड़ी गई कि आ तो दानवो छे, एटले तरत ज सुदर्शन चक्रथी बन्नेना मस्तक अलग कर्या। हजी तो अमृत गळा नीचे उतर्युं नहोतुं, ए पहेला ज बन्नेने मारी नाख्या, एटले तेना धड़ तो मरी गया, परंतु तेना माथा ए अमर थई गया, अने जे आजे पण सूर्यग्रहण अने चंद्रग्रहण वखते सौने देखाय छे। परंतु भक्तो, एज घटना समये राहु केतुनुं मस्तक अलग थयुं त्यारे जे लोहीना टीपा जमीन उपर पड्या, के जे लोही अमृतथी मिश्रित हतुं, अने ते ज लोहीना टीपामांथी लसण अने डूंगळीना छोड उगी निकळ्या, अने अमृतथी मिश्रित लोही हतुं एटले आजे पण अमृतना गुणો तेनामां जोवा मळे छे। अने माटे ज घणा बधा रोगोनी सारवारमां तेमज दवा अने औषधिओमां पण ते वपराय छे। परंतु ते अमृत असुरोना मुखमां गयुं हतुं एटले आजे पण तेमांथी दुर्गंध आवी रही छे, के जे असह्य होय छे। एटले भक्तो, एंड ऑफ ध डे लसण अने डूंगळी शरीर माटे अमुक અંશે લાભદાયી હશે, પરંતુ છતાં પણ રાહુ અને કેતુના લોહીમાંથી બન્યા છે માટે આસુરી તત્વ છે, અને માટે જે તામસી છે, અને માટે જેના ફાયદા કરતાં ગેરફાયદાઓ વધારે સાબિત થયા છે, એ શાસ્ત્રોક્ત રીતે પણ અને સાયન્ટિફિકલી રીતે પણ। માટે જ હિન્દુ માત્રે લસણ અને ડુંગળી ક્યારેય પણ ન ખાવા જોઈએ। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ।